नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। अयोध्या में राम मंदिर बनाकर भाजपा ने अपने वोटरों से किया हुआ एक बड़ा वादा पूरा किया है और अब 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। ये भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा आने वाले चुनाव में और बिहार भाजपा ने भी इसे एक चुनावी अभियान बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिहार भाजपा जो है वो 50 लाख श्रद्धालुओं को अयोध्या में राम मंदिर क्षेत्र में तीर्थ कराने ले जाने की तैयारी कर रही है। पार्टी की ओर से इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। अगले साल 22 जनवरी के बाद बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों से राम भक्तों को अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में घुमाने की पहल की जाएगी। इस काम के मातृ संगठनों विश्व हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी अहम भूमिका रहने वाली है। इन संगठनों में आमंत्रण देने के साथ ही समारोह में श्रद्धालुओं को पहुंचाने की पहल करेंगे। बुधवार को पटना में बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर के सभागार में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या द्वारा आया पूजित अक्षत पूजन करके बिहार के सभी जिलों में भेजा गया। 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम का सूचना पत्रक व पूजित अक्षत बिहार के लोगों को वितरित किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्रों के न्यासी कामेश्वर चौपाल ने बिहार के सभी जिलों से आए हुए प्रतिनिधियों का अयोध्या जाने का न्योता देकर रवाना किया। उसके साथ विहिप के क्षेत्रीय मंत्री वीरेंद्र विमल, क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद कुमार विनायक पर्याकर एवं प्रांत मंत्री परशुराम कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी कामेश्वर चौपाल ने सभी जिलों में आए हुए प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत की उपस्थिति में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में देश भर से लोग आ रहे हैं। आयोजन के बाद करोड़ों हिंदू परिवार को अयोध्या में उसके उपरांत दर्शन हेतु निमंत्रण के अलावा राम मंदिर का चित्र बिहार के लगभग 50 परिवारों के बीच वितरित किया जाएगा। 22 जनवरी को लाखों कार्यकर्ता अपने समीप के मंदिरों में एलईडी या टीवी लगाकर सीधा प्रसारण की व्यवस्था व धार्मिक आयोजन भजन आरती का कार्यक्रम भी कर सकेंगे। राम मंदिर भाजपा के लिए हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है और राम मंदिर बनाकर कहीं ना कहीं अपने वोटरों से किया गया वादा पूरा किया है भाजपा ने, तो इसी बीच इसे एक चुनावी अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। बिहार भाजपा 50 लाख श्रद्धालुओं को वहां तीर्थ के लिए भी ले जाने वाली है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद भाजपा की तैयारी है कि 50 लाख श्रद्धालुओं को वहां तीर्थ क्षेत्र के लिए ले जाया जा सके, तीर्थ कराने की पूरी तैयारी कर रही है बिहार भाजपा। क्या कुछ किया जा रहा है इसको लेकर, ये हमने आपको विस्तार से बताया इस रिपोर्ट में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।